हाय एवरीवन, सो आज के वीडियो में हम एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं एज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन और आपने एनसीसी सर्टिफिकेशन किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अनमैरिड मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। सो आप अनमैरिड होने चाहिए और इंडियन आर्मी में आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए ग्रांट किया जाता है। तो ये बेसिकली ऑफिसर पोस्ट है, इसमें आपको सबसे पहले लेफ्टिनेंट के लिए ग्रांट किया जाता है। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन जो होता है ये 10 ईयर्स के लिए होता है और ये एक्सटेंडेबल होता है, मतलब 10 ईयर सर्विस के बाद आप 4 ईयर के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। बट अगर आप इस सर्विस के लिए सुटेबल एंड फिट रहते हैं तो ही आप फर्दर कंटिन्यू कर पाते हैं। इसके अलावा आप परमानेंट सर्विस कमीशन के लिए भी ग्रांट किए जा सकते हैं अगर आप एलिजिबल होते हैं और हर एस्पेक्ट्स में सुटेबल होते हैं। तो अगर आप आगे फर्दर इस सर्विस को कंटिन्यू रखना चाहते हैं और आप हर एस्पेक्ट्स में सुटेबल हैं तो आपको परमानेंट कमीशन के लिए ग्रांट किया जा सकता है। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे नेशनैलिटी इंपॉर्टेंट है, आप इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए। इसके बाद अगर हम एज लिमिट की बात करें तो एनसीसी कैंडिडेट्स के लिए 19 to 25 ईयर्स एज लिमिट है और 1 July 2021 ये कैलकुलेशन डेट है। इसके अलावा अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 July 1996 टू 1 July 2002 इन डेट्स के बीच या इन डेट्स में आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो भी आप एलिजिबल हो। इसमें आपका एनसीसी कैंडिडेट्स में वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअल्टीज भी इंक्लूडेड है। इसके बाद हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो आपके ग्रेजुएशन में 50% होनी चाहिए कम से कम ओवरऑल। और अगर आप लास्ट ईयर में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लोग लास्ट ईयर में, उनके लिए स्टार्टिंग के 2 or 3 ईयर्स में आपके मिनिमम 50% होने चाहिए और जैसे आपका ग्रेजुएशन हो जाता है कम्प्लीशन के बाद आपके ओवरऑल मिनिमम 50% होने चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप इंटरव्यू के लिए कॉल किए भी जाते हैं तो भी आपको कैंसिल कर दिया जाएगा अगर आपकी ग्रेजुएशन में कम से कम 50% एग्रीगेट में नहीं होगा तो। इसके अलावा एनसीसी के लिए आपने अगर मिनिमम 2-3 ईयर्स का सर्विस प्रोवाइड किया है इन सीनियर डिवीजन में तो ही आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। ग्रेडिंग की बात करें तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट में आपका मिनिमम बी ग्रेड होना चाहिए, अगर आपका सी ग्रेड है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। एंड बी ग्रेड वाले स्टूडेंट को भी बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको सेलेक्ट किया जाए, बट अगर आपका ए ग्रेड है तो डेफिनेटली आपको कॉल किया जाएगा SSB इंटरव्यू के लिए। सो जिन कैंडिडेट का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है उनको 1 October 2021 तक या उससे पहले आपको प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट जनरेट करना होगा, और जो लोग लास्ट ईयर में हैं उनके पास तो प्रोविजनल डिग्री नहीं होगा तो उनके लिए प्रूफ होना चाहिए, मतलब अगर आपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर पास किया है तो उसका प्रूफ होना चाहिए। और इसके लिए भी आपको 1 October 2021 लास्ट डेट दी गई, इससे पहले ही आपको ये सारी चीज़ें कलेक्ट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअल्टीज के लिए बात करें तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप रीड कर सकते हैं। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी स्ट्रीम से विद मिनिमम 50% देन आप एलिजिबल हो और आपको एनसीसी सी सर्टिफिकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल दी गई है जिसे आप रीड कर सकते हैं। वैकेंसीज की बात करें तो एनसीसी मेन के लिए टोटल 50 वैकेंसीज है जिसमें से 45 जनरल कैटेगरी के लिए है और 5 वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअल्टीज के लिए है। एनसीसी वेमेन के लिए टोटल 5 वैकेंसी है, जनरल के लिए 4 है और वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअल्टीज के लिए 1 है। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस क्या है यह आप खुद रीड कर सकते हैं। इसके बाद ट्रेनिंग की बात करें तो OTA चेन्नई में 49 वीक्स की आपकी ट्रेनिंग होगी और इसकी एंटायर कॉस्ट गवर्नमेंट के ऊपर है। प्रमोशन क्राइटेरिया एंड सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लेफ्टिनेंट के लिए ग्रांट किया जाता है, उसके बाद आपको कैप्टन के लिए प्रमोट किया जाता है। सो 2 साल की सर्विस के बाद मेजर के लिए प्रमोट किया जाता है, देन 6 ईयर्स के बाद लेफ्टिनेंट कोलोनल एंड देन 13 ईयर्स के बाद कोलोनल TS के लिए प्रमोट किया जाता है, उसके बाद 26 ईयर्स के बाद अगेन कोलोनल एंड देन ब्रिगेडियर, मेजर जनरल एंड देन लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रमोशन मिलता है। सैलरी की बात करें तो जैसे कि आप लेफ्टिनेंट के लिए ग्रांट किए जाते हैं तो आपकी जो पे होगी वो 56,100 rupees टू 1,77,500 rupees होगी। उसके बाद जैसे जैसे आपको प्रमोशन मिलेगा वैसे आपकी सैलरी में भी इंक्रीमेंट होगा, तो ये आप पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं।
स्टाइपेंड की बात करें तो ट्रेनिंग में आपको 56,100 रुपीज पर मंथ आपका स्टाइपेंड होता है। सो अप्लाई किसे करना है ये सारी चीजें नोटिफिकेशन में दिया गया है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी आप हमें डीएम कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है आपके एनसीसी सर्टिफिकेशन के अकॉर्डिंग, आपके ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग। सो कुछ फैक्टर्स होते हैं, उसके बेसिस पे सबसे पहले कुछ कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाता है एसएसपी इंटरव्यू के लिए। और सेंटर अलॉटमेंट आपको ईमेल के थ्रू पता चलता है। सो सेंटर सिलेक्शन के बाद आपको वेबसाइट में लॉगिन करना होता है एसएसपी डेट्स के लिए। सो ये आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे इनिशियली अवेलेबल होता है, तो उसके बेसिस पे आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। सो सिर्फ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ही एसएसबी इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। सो इसमें दो स्टेज होंगे, फर्स्ट स्टेज को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो ही आप सेकेंड स्टेज के लिए अपीयर हो सकते हैं। इसमें कोई भी रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं होता है, सिर्फ आपको इंटरव्यू के बेसिस पे सेलेक्ट किया जाता है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके उस नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से ऑन कर लीजिएगा।